दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप WhatsApp बिजनेस एप्लीकेशन में अपनी बिजनेस प्रोफाइल को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी कस्टमर आपकी WhatsApp को विजिट करें वो उन्हें आपके बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको WhatsApp बिजनेस को ओपन करना होगा। WhatsApp बिजनेस को ओपन करने के बाद आपको ऊपर की साइड जो 3 डॉट नजर आते हैं, आपको सिंपली 3 डॉट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद में आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है बिजनेस सेटिंग का। तो सिंपली आपको बिजनेस सेटिंग वाले ऑप्शन पर ही टैप कर देना है। इस पे आप टैप करेंगे तो आपको बिजनेस प्रोफाइल का सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको बिजनेस प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऊपर एक एडिट का पेंसिल जैसा आइकन नजर आ रहा है आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करें सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है प्रोफाइल पिक्चर का। तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई लोगो है, आपकी आपकी कंपनी का कोई लोगो वगैरह है तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है और यहाँ से आप अपने पसंद का फोटो या पसंद का लोगो लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना बिजनेस नेम दे देना है, यानी कि जो भी आपका बिजनेस नेम है या आपका कंपनी नेम है वो यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपली आपको एडिट करना है और यहाँ पर अपना बिजनेस नेम दे देना है। इसके बाद आपका डिफॉल्ट यहाँ पे फोन नंबर रहता है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे देना है, जो भी वर्क आप करते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको दे के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्तों ये बिजनेस अकाउंट मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के लिए बनाया है, जो चैनल पर मैं वर्डप्रेस ब्लॉगर एसईओ होस्टिंग डोमेन रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग सीखने में या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, होस्टिंग डोमेन के न्यू ऑफर की जानकारी चाहते हैं या एसईओ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेकी शरीफ। यहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, आप भी अपनी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बिजनेस एड्रेस डालने का ऑप्शन मिलता है और नीचे आपको एक मैप मिलता है जिसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं आपके ऑफिस की। इसके अलावा अगर आप कोई अदर जानकारी अपने बिजनेस के बारे में देना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर वाले आइकन पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको बिजनेस आवर यानी कि आपका टाइम क्या रहता है वो शेड्यूल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपकी सर्विस का टाइम बिल्कुल फिक्स है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलवेज ओपन है तो ऑलवेज वाले ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको शेड्यूल के बाद में यहाँ पे आपको मिलता है ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है जहाँ पर कोई आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। इसके बाद में यहाँ पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वेबसाइट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट दी हुई है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी वेबसाइट है उसे भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर वेबसाइट वाले ऑप्शन पर आप टैप करेंगे और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेटस दे सकते हैं और इसके बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। दोस्तों आपकी यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल पूरी तरह से सेट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए WhatsApp बिजनेस का यूज करते हैं तो वहाँ पर भी अपनी एक बिजनेस प्रोफाइल जरूर क्रिएट कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।